प्रीता नाश्ता। तुम अचानक से इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो? मेरे पेपर्स चाहिए क्या? करण भाई, सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट के साथ इंसल्ट भी अच्छी लगती है क्या? क्यों इतना रिस्पेक्ट और प्यार दिखाते हो प्रीता की तरफ? ना वो रेसिप्रोकेट करती है, ना वो आपसे इज्जत से बात करती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता देखती है सब कुछ। कृति, रिलैक्स, हैव योर ब्रेकफास्ट। शालिन, क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अपने लॉयर से बात की, उसने कहा कि हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। जैसे ही वो पेपर मिल जाएंगे, वो प्रीता का नाम हटा के तुम्हारा नाम लिख देगा और उसके बाद हम। उसके बाद कुछ भी नहीं। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे इस लॉयर का ये जो आइडिया है, ये बकवास है। मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मैं चीजें प्लान करता हूँ, स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। ये छोटे मोटे चोरी वाले काम ना मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। शॉक वाला रिएक्शन मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तुम्हें क्या लगा कि ये सुन के मैं शॉक हो जाऊंगा? मैं ऑलरेडी जानता था कि जैसे मैं बोलूंगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा तो तुम मुझसे ये कहोगी कि तुम चोरी करोगे। पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, इसके बाद तुम्हें शॉक जरूर लगेगा। सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उन पेपर्स को चुराना चाहते हैं। शौक क्या? तुम्हें कैसे पता कि और भी लोग जो चोरी करना चाहते हैं? किसने बताया? तुम्हारी कृतिका ने? मुझे सब पता है। कैसे पता है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन प्रॉपर्टी के पेपर से? अरे प्रीता इस घर पर रूल कर रही है, इस घर पे तुम्हें और मुझे रूल करना चाहिए। वो मुझ पर रूल कर रही है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह सॉरी, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। क्योंकि प्रीता को देखकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारी प्रीता जी है ना, तो इस घर में रहेगी तो तुम्हारे आसपास रहेगी, तो तुम चाहते हो कि वो मालकिन बनकर रहे। That's why you don't care. लेकिन मैं ये पेपर चुरा के रहूंगी, क्योंकि ये हमारा आखिरी चांस है।